अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। टीएनसी अप्लाई। रामटेक लोकसभा चुनाव पहले चरण में हो रहा है और चूंकि रामटेक विधानसभा क्षेत्र रामटेक लोकसभा के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रशासन की ओर से योजना की तैयारी तेज कर दी गई है। उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपति ने विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित विभिन्न बैठकें की। इस अवसर पर तहसीलदार रमेश कोल्पी, प्राचार्य पल्लवी राहुल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। देश में आम लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले के नागपुर और रामटेक दोनों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। नागपुर जिले के रामटेक लोकसभा क्षेत्र में कुल 20 लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा 2405 मतदान केंद्रों पर 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये जानकारी रामटेक की SDO वंदना सौरंगपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 20,45,717 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,43,267 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,02,396 है। तो 55 तीसरी पार्टियां भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने जारी है। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर बैठे वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें रामटेक विधानसभा के अंतर्गत कुल 356 बूथों पर 2,74,816 मतदाता और 2,000 चुनाव कर्मचारी और अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। दिव्यांग अथवा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नियमों एवं निर्देशों के अनुसार दिव्यांग अथवा विपरीत मतदाताओं के घर जाकर 12D फॉर्म भरकर समस्त प्रशासन तंत्र एवं प्रत्याशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। आपको मतदान केंद्र पर जाकर वोट करना होगा। इलेक्शन अभी डिक्लेयर हो गए हैं कल 16 मार्च को, और कल से ही जो आदर्श आचार संहिता है वो भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे देश में लागू हो गई है। रामटेक जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में 356 बूथ है और एक ऑक्सिलरी बूथ तैयार किया गया है। और रामटेक लोकसभा अपने विधानसभा क्षेत्र में टोटल जो है 2,74,820 मतदाता है, उसमें 1,39,144 पुरुष मतदाता है और 1,35,672 स्त्री मतदाता है। 4 जो वोटर है वो ट्रांसजेंडर है, ऐसे टोटल 2,74,820 मतदाता है। आचार संहिता कल से लागू हो गई है और जो सारे फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है वो एक्टिवेट हो गए हैं। इस बार के जो इलेक्शन में कुछ नई बातें या नई तरतूदें लागू हुई है, उसमें से एक तरतूद ऐसी है कि जो 85 प्लस एज वाले वोटर्स है या फिर जो दिव्यांग मतदाता है, उनके लिए फॉर्म 12D जो आयोग ने प्रिस्क्राइब किया है, इस फॉर्म को भर के वो अगर वो चल फिर नहीं सकते या अगर वो मतदान केंद्र पे नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो वो फॉर्म 12D भर के हमको दे सकते हैं और हमारा पथक जाके उनके घर पे मतदान करेगा। NBC न्यूज़ के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।